हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, पिछले महीने मैंने एक सर्वे किया था अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैंने पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सेस किया हुआ है, इस फैसिलिटी का फायदा उठाया हुआ है। तो दोस्तों, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि 500 लोगों ने करीब उसमें वोटिंग किया और उसमें से सिर्फ 38% लोग ऐसे थे जिन्होंने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस बेनिफिट का फायदा उठाया हुआ है। दोस्तों, हो सकता है कि काफी लोग एयर ट्रैवल नहीं करते हो, बट मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जो एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, फिर भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, या उसको यूज करने में हेजिटेट होते हैं, या शायद उनको ये पता ही नहीं कि क्या उसमें बेनिफिट होते हैं, क्या चार्जेस होते हैं और क्या ये फ्री होता है। तो फ्री होता है तो उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट लाउंज क्या होते हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज मिलती है। रिसेंटली मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस किया था और वहां पर मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई है, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैसे कर सकते हैं। इसके बाद उसके अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स है या कोई और आपके साथ है जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, या ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिस पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं हो सकता है, तो उनको कैसे आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप अपने साथ करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के किस किस तरह के कवरेज डिफरेंट कार्ड्स में रहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रायोरिटी पास क्या होता है और उसका क्या यूज है। लास्ट में मैं आपको जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं उनके जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं जिस पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अगर आपने किया भी है तब भी शायद आपको कुछ नया जानने को मिले, और नहीं किया है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो क्रेडिट कार्ड का सबसे पॉपुलर बेनिफिट्स में से एक है। दोस्तों, मैंने जो अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए लिया था। तो दोस्तों, जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, बहुत छोटे एयरपोर्ट्स को अगर आप छोड़ दें तो हर एयरपोर्ट पे आजकल एक एयरपोर्ट लाउंज होता है। सो लाउंज में बेसिकली क्या होता है कि एक वेल इक्विप्ड वेटिंग रूम रहता है, एक बड़े से रेस्टोरेंट की तरह रहता है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, और अगर आपकी फ्लाइट डिले है या आप फ्लाइट से काफी जल्दी आप पहुंच गए, सिक्योरिटी चेक के बाद आप इस एयरपोर्ट लाउंज में एंटर कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। उसमें जो सबसे मेन फैसिलिटी है दोस्तों, वो ये है कि आपको इसमें अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो आपको मिलते हैं। एयरपोर्ट लाउंज ज्यादातर एयरपोर्ट्स पे 24/7 ओपन रहते हैं, मतलब आप एकदम लेट नाइट भी पहुंचे या अर्ली मॉर्निंग भी पहुंचे तब भी लाउंज ओपन रहते हैं, और वहां पर दिन के टाइम के अनुसार जो है वो फूड मेन्यू वहां पर सर्व किया जाता है। और इन सब एयरपोर्ट पर बुफे मेन्यू रहता है, मतलब सारे फूड आइटम जो है बुफे की तरह जमे हुए रहते हैं, आप अनलिमिटेड इसमें से कोई भी चीज जो है वो खा सकते हैं। ड्रिंक्स जो है उनके फ्रिज वगैरह में वहां रहते हैं, इसमें पैक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रहते हैं, जितने भी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफी टी इस तरह की चीजें भी रहती है, वो भी आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों, जो फूड मेन्यू रहता है वो टाइम के अनुसार रहता है, 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका प्रॉपर पूरा लंच मेन्यू रहता है, 3 बजे के बाद उनका इवनिंग स्नैक्स मेन्यू रहता है, 6:30-7 बजे के बाद डिनर मेन्यू जो है वो वहां पर सर्व कर दिया जाता है और जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, और 10 बजे के बाद फिर से आपको स्नैक्स मेन्यू वहां पर मिलेगा। सो मतलब कुल मिला के आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज और ऑप्शंस वहां पर आपको मिलते हैं जो आप वहां पर कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एयरपोर्ट पर जहां पर नॉर्मली फूड अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर लेते तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ऐसे एयरपोर्ट पर आपको एयरपोर्ट लाउंज में अनलिमिटेड फ्री फूड लंच डिनर ब्रेकफास्ट स्नैक्स का ऑप्शन आपको मिलता है विद सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टी कॉफीज। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मुंबई के टर्मिनल 2 जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां पर जो एयरपोर्ट लाउंज है उसके कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स जो मैंने रिसेंटली विजिट किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप देख पाए होंगे कि कैसे एक फुल फ्लेजेड
मील जो है वो सर्व किया जाता है एयरपोर्ट लाउंज पे। बहुत ही बड़े एयरपोर्ट लाउंज रहते हैं, अगर आप किसी मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट में हैं और वहां पर अगर आपने लाउंज एक्सेस किया है, आपको सिर्फ वहां पर फूड ही नहीं, मतलब आपको वहां पर न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह भी आपको वहां मिलती है, आप अपना मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, रेस्ट रूम्स रहते हैं और काफी कंफर्टेबल चेयर रहती है जहां पर आप आराम से आप वेट कर सकते हैं अगर आपकी फ्लाइट काफी डिले है या आप काफी जल्दी पहुंच गए तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट लाउंज में एंटर कैसे करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपका चेक इन होता है, जहां पर आपका बोर्डिंग पास बनता है और आपका जो चेक इन लगेज है वो आपका अंदर जाता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको साइन बोर्ड लिखेंगे जहां पर लिखा रहेगा कि लाउंज, उन साइन बोर्ड को आप फॉलो करते जाइए और आपको लाउंज आप लाउंज तक पहुंच जाएंगे। नहीं पता है तो आप किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ से पूछ सकते हैं कहां पर लाउंज है। और मैंने जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स है जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और डाइनर्स कार्ड, उनके एयरपोर्ट वाइज लाउंज की डिटेल्स और उनका लाउंज का प्रॉपर लोकेशन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक्स पे क्लिक करके उन सारे लाउंज की डिटेल्स भी पा सकते हैं और लाउंज एयरपोर्ट में पर्टिकुलरली किस लोकेशन पे वो भी आपको इस लिंक्स पे मिल जाएगा। ये लिंक आप अपने मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब लाउंज में आप जिसे पहुंचते हैं तो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है जिसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिया हुआ है, आपको वो क्रेडिट कार्ड उनके रिसेप्शन पे देना होता है। जैसे भी जैसे आप नॉर्मली किसी शॉप पे शॉपिंग करते हैं वैसे ही वो आपका क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेंगे, स्वाइप करके आपको पिन डालना होता है। अगर आपके पास वीजा और मास्टर कार्ड है तो आपका कुछ 25 रुपीज डिडक्ट होता है और वो 25 रुपीज कुछ ही घंटे में, मतलब आधे एक घंटे में ही फिर से रिवर्स हो जाता है। ये जो ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ ये वैलिडेट करने के लिए होता है कि आपका कार्ड जो है वो एक्टिव है। सिर्फ इतना वैलिडेशन के बाद उस लाउंज में आप जो है एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास डाइनर्स क्लब का कार्ड है तो वो आपका कार्ड स्वाइप करेंगे, आपका 2 रुपया उसमें डिडक्ट होगा। ये 2 रुपया रिफंडेबल नहीं होता है, पर दोस्तों 2 रुपया कुछ भी नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट है और फिर आप एयरपोर्ट लाउंज में एंटर कर पाते हैं। दोस्तों कुछ जो सुपर प्रीमियम कार्ड्स है जैसे HDFC बैंक का डायनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड हो गया या इन्फिना क्रेडिट कार्ड हो गया, वो अपने प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के साथ ही एड ऑन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देते हैं। बट बाकी जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो जनरली सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर को ही एड ऑन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले तक, आज से 1.5 साल पहले तक, जब आप एयरपोर्ट लाउंज पर जाते थे तो आपका बोर्डिंग पास चेक होता था और बोर्डिंग पास पे जो नाम है और आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नाम है वो एग्जैक्टली मैच होगा तभी आपको एंट्री मिलती थी। अगर मेरे पास मेरा कार्ड है मेरे नाम से तो उस कार्ड से सिर्फ मैं एंटर कर सकता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे या मेरे साथ कोई और है वो एंटर नहीं कर सकता था। बट आजकल इन सारे एयरपोर्ट्स पे, अधिकतर एयरपोर्ट्स पे ये रूल काफी लिबरल हो गया है, मतलब आपके पास सिर्फ कार्ड होना चाहिए जिसमें एक वैलिड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का कोटा होना चाहिए। कार्ड चाहे वो किसी के भी नाम पर हो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। सो इससे आपको अपने फैमिली मेंबर्स को या आपके साथ में जो है उनको एयरपोर्ट लाउंज में एंटर करवाना बिल्कुल आसान हो गया है अगर आपके एड ऑन कार्ड पर इस तरह का फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है दोनों पर ही अगर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिया हुआ है तो आप एक कार्ड से खुद एंटर कर सकते हैं और दूसरे जो कार्ड से उससे आप अपने फैमिली मेंबर को एंटर करवा सकते हैं, यहां तक कि आप अपने बच्चों को भी एंटर करवा सकते हैं। किसी भी एयरपोर्ट लाउंज में 5 साल तक के बच्चों की एंट्री एकदम फ्री रहती है, बट 5 साल से ज्यादा एज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए होता है जिस पर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का कोटा बचा हुआ हो। अगर आपके पास वो है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी अपने बच्चे को एंट्री करवा सकते हैं एयरपोर्ट लाउंज में। दोस्तों ये चीज सिर्फ अभी अभी पॉसिबल हो पाई है, आज से 1.5 साल पहले तक मुझे पता है कि एयरपोर्ट लाउंज में फैमिली मेंबर्स को एंट्री करवाना पॉसिबल नहीं था, उसके लिए आपको पे करना पड़ता था और अगर आप पे करके एंटर करते तो ये पेमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अधिकतर एयरपोर्ट्स पर ये जो चार्जेस रहते हैं, एक बार एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री का 2100 प्लस GST चार्ज रहता है और कुछ एयरपोर्ट्स पे तो 2700 तक का भी चार्जेस रहते हैं, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एक काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। अब दोस्तों डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स पे जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट रहता है वो डिफरेंट लेवल का रहता है। सबसे बेसिक बेनिफिट वो है वो ये है कि आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री मिलती है प्राइमरी कार्ड होल्डर्स पे। कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स है जो एड ऑन कार्ड होल्डर्स को भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी देते हैं, बट जितने भी एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देते हैं। बट जो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अपने कस्टमर्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की भी फैसिलिटी देते हैं, मतलब आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर भी आप अपने कार्ड के थ्रू जो है एयरपोर्ट लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रायोरिटी पास क्या होता है। दोस्तों जिन क्रेडिट कार्ड्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी दी हुई है वो क्रेडिट कार्ड अगर आपके वीजा नेटवर्क या मास्टर नेटवर्क पर है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके
इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं कर सकते, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है आपको एक डिफरेंट कार्ड देती है जिसको प्रायोरिटी पास बोलते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखता है। उस कार्ड को आपको यूज करना होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री के लिए। बट अगर आप डाइनर्स क्लब नेटवर्क पे है, मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डाइनर्स क्लब नेटवर्क का है, तो वहां पर आपको प्रायोरिटी पास की जरूरत नहीं है, आप अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। अब पॉपुलर बैंक्स की बात करें तो दोस्तों HDFC बैंक में जो इन्फिना क्रेडिट कार्ड है और डाइनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, वो दोनों ही कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी। और यही नहीं, ये दोनों क्रेडिट कार्ड जो है अपने एड ऑन कार्ड होल्डर्स को भी अनलिमिटेड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देते हैं, और इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के साथ में 3 एड ऑन कार्ड जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा रिगालिया क्रेडिट कार्ड में साल में 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, रिगालिया में भी आपको प्रायोरिटी पास मिलता है और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है। और अगर आपके पास मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में सिर्फ डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी है, जिसमें आपको 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस जो है वो मिलते हैं। अब एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो एक्सिस बैंक का जो एटलस क्रेडिट कार्ड है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देता है, बट उसके जो पॉपुलर दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड हो गया या एस क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर एयरटेल क्रेडिट कार्ड हो गया, इन तीनों ही कार्ड्स पर आपको साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, मतलब हर क्वार्टर में आप 1 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। SBI के जो 2 सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है सिंपली सेव और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर कोई एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फैसिलिटी नहीं है, बट SBI के जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उन पर जरूर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है। ICICI बैंक का जो सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है Amazon Pay क्रेडिट कार्ड, उस पर भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी नहीं है। बट रिसेंटली IDFC बैंक ने अपने 4 लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, उसमें से सबसे नीचे वाला क्रेडिट कार्ड है उसको छोड़ के बाकी तीनों क्रेडिट कार्ड्स पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। सो दोस्तों सारे क्रेडिट कार्ड्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 250 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स आज मार्केट में, बट आप अपने क्रेडिट कार्ड की टर्म्स कंडीशंस में देख सकते हैं कि आपको कितने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो दोस्तों थोड़ा सा एयरपोर्ट पर जल्दी जाना, और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अगर आपने नहीं किया है कभी भी तो एक बार उसको एक्सपीरियंस जरूर करना, तभी आप इस फैसिलिटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में कि किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड और अपने डेबिट कार्ड को यूज करके एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।